तो देखो एक तगड़ा ड्रामा आने वाला है MX Player के प्लेटफॉर्म पर। इसकी अपडेट मैंने आपको 5 दिन पहले ही कम्युनिटी पोस्ट पर दे दी थी। क्यों हिला डाला ना? नहीं। वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो देखो आज की ये वीडियो काफी धमाकेदार होने वाली है, इसलिए इसको पूरा देखना। तो देखो कल MX Player के प्लेटफॉर्म पर MX Player सेक्शन में एक नया कोरियन ड्रामा रिलीज किया गया जिसका नाम है द पेंट हाउस वॉर इन लाइफ, जिसको 2020 में रिलीज किया गया था। अभी जाकर के इसको शायद खत्म कर दिया गया है, जिसमें आपको टोटल 3 सीजन देखने को मिलेंगे, यानी कि MX Player के प्लेटफॉर्म पर पूरी तरीके से माहौल बनने वाला है। सो अब अगर बात करें कि आपको इसमें टोटल कितने एपिसोड देखने को मिले हैं, तो देखो इसके सीजन 1 के 21 एपिसोड में से आपको टोटल 5 एपिसोड प्रोवाइड कर दिए गए हैं, और जो हर एक एपिसोड के लिए वही 1.5 घंटे के अंदर करके आपको प्रेजेंट की गई है, और जो इसकी हिंदी डबिंग की गई है एज कंपेयर टू अदर कोरियन ड्रामास काफी अच्छी है, लेकिन DD 2.0 में प्रोवाइड की गई है, जिसकी वजह से थोड़ा सा परेशान जरूर करती है। तो देखो अगर आपने इस ड्रामा का नाम सुना है और अगर आप जानना चाहते हो कि इस पर आपका टाइम देना सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा, तो बस आज की इस वीडियो में ये एग्जैक्टली मैं आपको बताने वाला हूं। तो बिना लगाए चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो अब अगर बात करें इस ड्रामा के बेसिक प्लॉट के, इस ड्रामा को बिना स्पॉइल किए, तो देखो इस ड्रामा की जो कहानी, इसको सेट किया गया हीरा पैलेस में, जो कि एक खतरनाक लग्जरी पेंट हाउस है, और जब ये पेंट हाउस स्क्रीन पर आता है काफी जबरदस्त लगता है। लेकिन जो मेनली कहानी है वो फॉलो करे 3 लेडी की कहानी को, दैट मीन सूर्यौन, सियोजिन और यून ही के कैरेक्टर को, जिसमें जो सूर्यौन है वो काफी रिच बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, और उससे आगे कोई ना निकले उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है, और जो सियोजिन का कैरेक्टर वो इस सीरीज के लिए काफी इंटरेस्टिंग है, और वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती है, और साथ साथ जो यून ही का कैरेक्टर वो पूर बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, लेकिन उसकी आंखों में अमीर बनने के लिए जो लालच है वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। तो देखो इन तीनों की जो लाइफ वो ठीक ठाक ढंग से चल रही होती है, लेकिन जो इनकी फैमिली प्रॉब्लम्स हैं वो इनको हंट करती रहती है। लेकिन जो सबसे खतरनाक ट्विस्ट है वो तब होता है जब इस सीरीज में एक मर्डर होता है इसके स्टार्टिंग पोर्शन में। अब उस मर्डर का इन तीनों से क्या लेना देना है और एक्चुअली में उस मर्डर को किसने किया है, इन्हीं साइड उसको जानने के लिए आपको इस सीरीज को शुरू से लेकर के अंत तक देखना पड़ता है। तो अब अगर बात करें इस सीरीज के ड्रामा की, तो देखो अभी तक मैंने इसके केवल 5 एपिसोड देखे हैं, तो इन 5 एपिसोड के बेसिस पर अगर मैं बात करूं इस सीरीज के ड्रामा की, तो देखो इस सीरीज के ड्रामा में जो आपको कहानी देखने को मिलती है वो काफी जबरदस्त है, और उसमें आपको जो सस्पेंस देखने को मिलता है वो आपको स्टार्टिंग के 3 मिनट, ठीक 3 मिनट में ही आपको इस सीरीज के साथ कनेक्ट कर देता है, और जिस हिसाब से आपको इस सीरीज में कैरेक्टर की इंट्रोडक्शन देखने को मिलती है वो भी काफी जबरदस्त है। दैट मीन्स आप हर एक कैरेक्टर के साथ आसानी से कनेक्ट हो जाते हो, उनके नाम को लेकर के आपको कंफ्यूजन नहीं होती है। और अगर बात करें कैरेक्टर डेवलपमेंट की, तो देखो अभी केवल 5 ही एपिसोड आए हैं, और इन 5 एपिसोड के बेसिस में जो कैरेक्टर डेवलपमेंट की गई है वो ठीक ठाक है। That means आगे जाकर के इनके जो कैरेक्टर है उनकी जो कैरेक्टर आर्क है वो कैसे चेंज होने वाली है, और जो हर एक कैरेक्टर वो कैसा ट्विस्ट टर्न लेने वाले हैं, और उनकी जो जर्नी वो कहां पर जाकर के एंड होंगी वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। बाकी अगर बात करें स्क्रीन प्ले की, तो देखो हर एक एपिसोड की जिन लेंथ है वो काफी बड़ी बड़ी है, जिसकी वजह से आपको अच्छी खासी फील होती है, लेकिन इस स्क्रीन प्ले के पेस को बनाए रखने के लिए जो आपको बैकग्राउंड म्यूजिक प्रोवाइड किया गया है वो भी काफी इंटरेस्टिंग लगता है, और वो आपको बोर नहीं होने देता। सर आपको बीच बीच में जो ह्यूमर्स देखने को मिलते हैं, जो कॉमेडी के सीन्स देखने को मिलते हैं वो भी काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं। चलो बात करते हैं कि आपको इस ड्रामा को देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए, ज्यादा टाइम ना लेते हुए। तो देखो मैं आपको सीधे बोल देता हूं कि अगर आप कोरियन ड्रामास देखना पसंद करते हो, और उसमें अगर आप मर्डर मिस्ट्री टाइप का एक ड्रामा देखना चाहते हो जिसमें आपको ढेर सारे कैरेक्टर देखने को मिले, अच्छी खासी आपको प्रोडक्शन क्वालिटी देखने को मिले, अच्छा खासा आपको सस्पेंस देखने को मिले, ठीक ठाक ढंग से आपको ह्यूमर्स कॉमेडी देखने को मिले, तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको इस ड्रामा को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस ड्रामा की जो सस्पेंस है, इस ड्रामा की जो मिस्ट्री है वो आपको डेफिनेटली एंटरटेन करेगी। बाकी बात के मैं तो इन 5 एपिसोड को मैंने देख करके काफी एंजॉय किया, बाकी के एपिसोड देखने के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूं, और जैसे जैसे इस ड्रामा के बाकी एपिसोड आएंगे उसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको देता रहूंगा, और जैसे ही इस ड्रामा का सीजन 1 खत्म हो जाएगा तो मैं आपको एक डिटेल रिव्यू बना करके उसको जरूर बताऊंगा, और बाकी के जो सीजन आएंगे उन पर भी आपको हमारे चैनल पर अपडेट और रिव्यू वीडियो मिलती रहेगी। तो अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट कर सकते हो, आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, और इन केस अगर आप मेरे चैनल पर घूमते टहलते पहली बार आ गए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी वीडियोस देखने के लिए। मैं फिर से मिलता हूं नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय।